स्टूडेंट्स वेलकम अगेन। आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली मैं बना रही हूँ अपनी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, सभी बच्चियों के लिए, अपनी फ्रेंड्स और कलीग्स के लिए। बेसिकली इंडियन सोसाइटी अभी एक ट्रांजिशन फेज से गुजर रही है। हमारी जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ है और जो हमारे एम्बिशंस हैं उनमें अभी एक कॉन्फ्लिक्ट का दौर चल रहा है और ये कुछ वक्त लगेगा इसे ईज आउट होने में। तो जब हम इस दौर में अभी जब हम अपना कुछ अलग करना चाह रहे हैं, अगर आप बहुत एम्बिशियस और बहुत हार्ड वर्किंग है तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जो ना तो आपको दिखाई देंगे ना आपको समझ आएंगे और ये आपको हर कदम पे अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में बार बार कंफ्यूज करेंगे और आप महसूस करेंगे कि आप एक सही और एक करेक्ट और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रही हैं जो फाइनली लॉन्ग टर्म में सबके लिए अच्छा ही रहेगा। बेसिकली क्या है कि अगर आप बहुत एम्बिशियस हैं और बहुत हार्ड वर्किंग हैं और उस पर भी अगर आप थोड़े बहुत गुड लुकिंग भी हैं तो एक तो आइसोलेशन और एक जजमेंट, ये दो ऐसे चैलेंज हैं जो आपको हर कदम पे देखने को मिलेंगे। जब आप थोड़े से मैच्योर हो जाते हैं, स्कूल के कुछ लास्ट ईयर्स में होते हैं, जब आप कॉलेज में होते हैं, तो आपको ये चैलेंज आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाता है। आपको बहुत जो ग्रुप्स हैं, जो बड़े फ्रेंड ग्रुप्स हैं, वो आपको बहुत वेलकम नहीं करेंगे। बॉयज़ आपको आइसोलेट कर देंगे बिकॉज़ वो जो एक मेल ईगो है जिसमें आप उनको थोड़ा चैलेंजिंग लग रही हैं तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगी। गर्ल्स का जो गैंग है, जो ग्रुप है, जो वो भी अगेन आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आप उनकी जो गॉसिप टाइप कन्वर्सेशन है, जो ऑल टाइम फन मेकिंग बिहेवियर है जिसमें फैशन, फ्रेंडशिप और बाकी सब चीज़ों पे बहुत डिस्कशन होता है, उसमें अगर आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं तो आपको आइसोलेशन महसूस होगा अपने गैंग में। और यही आइसोलेशन आपके स्कूल से कॉलेज के दौर में चलता रहेगा। उस यंग एज में जब आप फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ एम्बिशन है और एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी को मेंटेन करना आपके लिए आसान है, उस वक्त आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करके और अपने हार्डवर्क और अपने डेडिकेशन से कुछ अचीव भी कर लेते हैं और आपने एक अपना मुकाम भी बना लिया है। तो यही चैलेंज कंटिन्यू होगा जब आप अपने ऑफिस को ज्वाइन करेंगी या जब आप अपनी मैरिड लाइफ में अपने लॉज की फैमिलीज को ज्वाइन करेंगी। अगेन वही आइसोलेशन और जो जजमेंट है वो आप पे बार बार आपको महसूस होगा। आपको कलीग्स इतने फ्रेंडली नहीं मिलेंगे और जो आपके चाहे वो आपके मोहल्ले के लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो हर वक्त किसी न किसी तरीके से दे आर फाइंडिंग एनी इशू, दे आर फाइंडिंग अ पॉइंट जहाँ पे कि आपको वो ये बता सके कि हाँ सब कुछ इनकी लाइफ में अच्छा है लेकिन ये चीज़ तो मिसिंग है ना। तो आपको आपके पर्सनल लुक्स पे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि आपको आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिले और अगर ये सब चीज़ें बहुत ठीक से है तो ढूंढा जाएगा कि इज़ एवरीथिंग ओके विथ योर हस्बैंड एंड योर किड्स, क्या आप अपने बच्चों का बहुत ठीक से ध्यान रख रही हैं, क्या आप ना तो उनको होमवर्क करवा पा रही हैं ना आप उनको अच्छे से उनकी डाइट का ध्यान रख पा रही हैं, उनका हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रही हैं। अगर ये और ये सब अगर आप अच्छे से कर रही हैं तो आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनको ड्यू रिस्पेक्ट नहीं पे कर पा रहे हैं, आप हर मौके पे नहीं पहुंचते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कंटिन्यूसली सुनने को मिलती है और कई बार जब ये आइसोलेशन बहुत इंटेंस हो जाता है तो यू टेक सम डिसीजंस कि जो आपके और आपकी फैमिली के फेवर में नहीं होते। तो मैं बस आप लोगों को ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप एक हार्डवर्किंग और एम्बिशियस गर्ल हैं और आप थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल हैं और आप एक लॉजिकल थिंकिंग रखते हैं और उस पर भी अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक भी दिखते हैं तो ये चीज़ें जो है ये बहुत छोटे वक्त के लिए आपकी लाइफ में रहेंगी और बहुत जल्दी लोगों का ओपिनियन जो है वो चेंज होता रहेगा। अगर उन्हें एक फील्ड में वो आपके लिए कुछ कमेंट्स देंगे तो कुछ दिनों बाद उनके वो कमेंट्स बदल जाएंगे। तो दिस विल बी गोइंग ऑन इन योर लाइफ, आप इनको अपने आपको पर्सनली
जज ना करने लगे, हर वक्त अपने आप को ऑटो करेक्ट मोड में ना डालें, थोड़ा सा अपने आप को वक्त दें, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसे बनाए रखें। अगर आपके इंटेंशंस अच्छे हैं और अगर आप सही सोच समझ के डिसीजन लेते जा रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म में दे ऑल विल से यस फॉर योर डिसीजंस। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जिन भी लोगों पे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं उनसे आप जुड़े रहें, उनसे आप मोटिवेशन और करेक्ट एडवाइस लेते रहें। ये चीज़ें पर्सनली आपके लिए नहीं है, ये इंडियन सोसाइटी में सभी जगह पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो प्लीज़ डोंट गो इन अ ओवर थिंक। आप इन छोटे छोटे कमेंट से या आप इन छोटे छोटे जजमेंट से आप अपने आप में सेल्फ डाउट नहीं लाइए। आप में जो क्वालिटीज़ हैं उन्हें बरकरार रखिए। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स सब फाइनली आपका जो इंटेंशन है उसको पढ़ सकते हैं एंड दे आर विथ यू। ये थोड़े थोड़े कन्फ्यूज़न के दौर और इनसिक्योरिटीज़ के दौर गुजर जाएंगे, एवरीथिंग विल बी इन अ प्लेस। आई विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल लाइफ। थैंक यू।